विद्याय नमः। सभी तुला राशि वाले जाते, आज हम आपके लिए वो राज के बाद लेकर आए, वो सीक्रेट फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं जिससे आप अपने आने वाले वर्ष 2024 को गोल्डन बना सकते हैं, 2024 को अपनी मुट्ठी के अंदर कर सकते हैं और हर एक अचीवमेंट जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वर्ष 2024 आपको प्रदान कर सकता है और ये हकीकत है। ये सभी ज्योतिष सूत्रों के आधार पर मैं आपको आज ये जानकारी प्रदान करने वाला हूं, क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा हमारी कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं। बहुत ज्योतिषी कई पंडित लोग बताते हैं आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है, पर कभी भी जीवन में राजयोग फलीभूत ही नहीं होता। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप राजा ही राजा रहेंगे, सब कुछ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। एक राजा के जीवन के अंदर भी कई प्रकार के कष्ट होते हैं, परंतु वो सब ऐश्वर्यों को भोगता है अपने उन कष्टों को पार करने के बाद। यहाँ फैक्टर की बात यह है कि वो राजयोग का फल क्यों नहीं भोग पाता, क्योंकि वो अपने द्वारा ही कुछ काम इस प्रकार के कर देता है कि उन राजयोगों का फल खत्म हो जाता है, उसको प्राप्त ही नहीं होता। दूसरी तरफ कुंडली के अंदर कुछ दुर्योग होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर खराब ग्रह योग पड़े हुए होते हैं, उसके बाद में भी वे लोग राजा के समतुल्य ऐश्वर्यों को भोगते हैं। कारण उनके डेली लाइफ रूटीन के अंदर कुछ चीजें इस प्रकार की हैं जो वो जाने अनजाने में करते रहते हैं और उन दुर्योगों से भी लाभ प्राप्त करते रहते हैं। यही चीज, यही सीक्रेट मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आप वर्ष 2024 में बन रहे शुभ योगों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप एक गलती ना करें जिन गलतियों के कारण आप उन शुभ योगों को प्राप्त करने से वंचित रह जाएं, और किन कार्यों के द्वारा अगर कुंडली में, अगर राशि में 2024 में कोई ग्रह दोष बन भी रहा है तो वह आप उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, उल्टा आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए। यही आज की वीडियो का मुख्य शीर्षक है, मुख्य टाइटल है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहे और वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए, जिसमें आपके बारे में आपके नौ ग्रह क्या कह रहे हैं विस्तार से आपको समझाया जाता है, ग्रह दोष शुभ योग और ग्रह दोषों से बचने के सभी प्रकार के उपाय आपको बताए जाते हैं। अपनी कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन में आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसी के अलावा ऐसे लोग जो हर एक जगह जाकर के थक चुके हैं, लाखों रुपए बर्बाद करके अब तक उन्हें कोई ऑथेंटिक, कोई प्रमाणिक ऐसा उपाय नहीं मिला जिसको करके वे अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हैं, तो अब आपका जो इंतजार है समाप्त तो हो चुका है। आप जुड़िए हमारी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ से, निशुल्क एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है, ना ही हम आपको एक रुपया खर्च करने के लिए बोलेंगे। केवल और केवल ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, असहाय हैं, धन की जिन पर बहुत ज्यादा कमी है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क करें और बात करें कि प्रभु के महाराज वो कौन सा उपाय है, वो कौन सी प्रक्रिया जिससे आपके संकटों को दूर कर सकता है। निश्चित तौर पर हमारे पास वह एक चीज है, अद्भुत चीज है आपके लिए, जिससे आप अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तुला राशि वाले सभी जातक, वर्ष 2024 मुट्ठी में कैसे करना है, सबसे पहले चार ग्रहों के ऊपर प्रेडिक्शन आपको बताने वाला हूं। देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु, यही चार ग्रह वर्ष 2024 के समय को आपके अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं, वर्ष को आपके मुट्ठी में कर सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक रहेंगे मेष राशि में आपके सातवें भाव में। जब तक ये सातवें भाव में रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके लिए शुभ हैं, आपके लिए अच्छे हैं। क्यों? यहां पर माता एवं दाम्पत्य कष्ट से आपको ये बचाएंगे, ठीक है। गुरु मेहनत के और कंपटीशन के मालिक हैं आपके लिए, और आपके लिए ये माता और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अब बात करते हैं कि आपको जब पता लग गया कि देव गुरु बृहस्पति इस समय शुभ हैं, तो इनके शुभत्व को प्राप्त कैसे करना है, कौन से वे काम है जो आपको करके बृहस्पति के शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, किसी भी प्रकार की मेहनत है, मेहनत करते हुए आलस्य नहीं करना है। शत्रु एवं कंपटीशन से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, यानी कि कंपटीटर से मन चुराते हैं, कंपटीशन में डर लगता है, कंपटीशन में मैं हार जाऊंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा पैसा खराब हो जाएगा। भैया, वो पैसा तो वैसे भी खराब होना है। कंपटीशन करोगे तो आपको एक मन में संतुष्टि रहेगी, आपने मेहनत करी,
और यहां पर आपको यही प्रक्रिया करके बृहस्पति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोन देने अथवा लेने, ऋण से संबंधित किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप से बचना है। पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है नियमित, और अपने शरीर की, अपनी बॉडी की चर्बी को नहीं बढ़ने देना। बॉडी में चर्बी जितनी संयमित मात्रा में रहेगी, संतुलित मात्रा में शरीर रहेगा, उतना ही बृहस्पति अच्छा होगा और आपको बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। नियमित व्यायाम करना है, और यही सब ऐसी कुछ चीजें हैं जो डेली लाइफ रूटीन में आप करें तो यही बृहस्पति आपके लिए राजोकारक हो जाएंगे। इसके बाद में एक मई के बाद बृहस्पति होंगे चेंज, बृहस्पति चले जाएंगे वृषभ राशि में, बृहस्पति ट्रांजिट होंगे और ये आपके आ रहे हैं आठवें भाव में। अब यहां पर बृहस्पति की स्थिति अशुभ हो जाती है। अशुभ का नाम सुन तो इशार कई लोग डर जाते हैं, अष्टम भाव में चला गया है, कुछ गलत ना हो जाए। मैं तो अष्टम भाव में भी कुछ चीजें हैं, कुछ कारक हैं, अगर आप समझ जाए तो अष्टम भाव से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करियर और रोग भंग दोष का निर्माण हो जाता है यहाँ पर, अगर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति चले जाते हैं। कैसे बचे करियर के दोष से, कैसे बचे अरिष्ट योग से, कैसे बचे रोग भंग दोष से, आइए जानते हैं। बेवजह की यात्राएं बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी के अलावा आपको केवल और केवल धार्मिक यात्राओं का, धार्मिक तीर्थ पटल को ही करना है। वहीं बात करें, किसी को आपको उधार नहीं देना, मैं आपको पहले भी मना कर चुका हूं। और चरित्र पर, कैरेक्टर पर दोष लगने से आपको बचना है, लगने से, लगाने से। कोई अगर आपके बारे में उल जलूल बातें कहे भी, तुरंत उसको धमका देना है, बिल्कुल भी चुप्पी नहीं साधनी है कि आपको सुनते जा रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आपके चरित्र पर दोषारोपण करता जा रहा है। छोटी छोटी यात्राएं करनी है, छोटी यात्राओं से आपको अधिक लाभ होगा। और मोटापा नहीं बढ़ने देना है, दो बार आ चुका है। नौकरी में अधिकारियों की बात माननी है आपको, क्योंकि इस समय अवधि में आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं उसका प्रेशर आपको पड़ सकता है। ऐसे में आपको केवल संयमित होकर के कम से कम बोल करके उनकी बातों को सुनना है, श्रवण करना है और उसके अनुसार कार्य करना है। नौकरी में अचानक परिवर्तन से आपको बिल्कुल बचना है। अचानक से आपको नौकरी नहीं मिली और आप सोच रहे हो कि छोड़ दूं और तब किसी दूसरी नौकरी में चले जाऊं, बहुत बड़ी गलतफहमी में आ जाएंगे आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम दूसरे ग्रह पर आ चुके हैं, यह शनि महाराज। शनि महाराज कैसे आपको वर्ष 2024 का आपकी मुट्ठी में करवा सकते हैं। तुला राशि वाले, मार्गी और वक्री और शनि की दृष्टियां, तीनों प्रकार के प्रभावों से आपको लाभ प्राप्त करने की विधि बताऊंगा मैं। 29 जून तक शनि महाराज मार्गी रहेंगे पांचवें घर में, और यहाँ शनि बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत शुभ है आपके लिए। ऐसे में आपको अपने करियर से संबंधित विद्या को ग्रहण करना है। अगर आपने सोच लिया कि आगे नहीं पढ़ूंगा, आगे नहीं सीखूंगा, तो आपकी गलतफहमी है। जब तक व्यक्ति के पास स्किल ना हो, लर्निंग ना हो, और अगर वह अपनी विद्या को संयमित और संतुलित कर ले, एक ही जगह रोक लेता है, तो वो करियर में भी वहीं पर आकर के टिक जाएगा और आगे नहीं बढ़ सकता। यही शनि महाराज आपको कह रहे हैं कि सीखो, लर्निंग से बढ़ाओ, शनि कर्मों के फलों के दाता है, करोगे तो शनि जरूर देंगे, नहीं करोगे तो इनसे मांगने का या इच्छा रखने का कोई भी लाभ आपको नहीं है। संबंधों को खराब होने से बचाना है, संतान की कुछ बातें सुननी है, संतान के दुखों को नजरअंदाज नहीं करना, संतान की पीड़ा को समझना है, अपने पार्टनर और लव पार्टनर की जरूरतों पर विशेष ध्यान रख करके चलना है, नहीं तो आपको शनि महाराज कुछ कष्ट पहुंचाएंगे, वो मैं नहीं चाहता। आपको केवल और केवल लाभ की प्राप्ति हो। इसके बाद शनि की दृष्टि जाती है तीन भावों पर, सातवें घर को, ग्यारहवें घर को और दूसरे घर को शनि महाराज अपने मुख्य दृष्टि से देखते हैं। यहां जब ये देखते हैं तो जो मित्र आपके काम आए आप उनके संपर्क में जरूर रहिए, उनकी सहायता के समय उनकी सहायता कीजिए, मित्रों की तकलीफ में उनका साथ दीजिए। और मित्र में आपको ये नहीं कह रहा कि जंगे 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 मित्र बनाते रहो, वास्तविकता में मित्र वही है जो आपके काम आया है, बुरे समय में आपको उसके काम आना है। मन में ज्यादा इच्छा मत जगानी है, एक से एक समय में एक से ज्यादा काम पर ध्यान नहीं देना है, एक टाइम पर एक ही वर्क पर फोकस करना है, एक एक इच्छा के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है, और वहीं सेविंग्स करना शुरू करना है, क्योंकि इस समय अवधि में आपको सेविंग्स के लिए ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। वर्ष 2024 में पहले ही बता करके मैं चल रहा हूँ। परिवार में वाणी का सही इस्तेमाल करके चलना है, दुर्व्यवहार किसी के साथ में, कटु वाणी, कटु शब्द, गुस्से भरे शब्द प्रयोग नहीं करने हैं। फिर शनि 29 जून को वक्री होंगे, चतुर्थ भाव का फल करेंगे और ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। शनि की वक्री अवस्था में आपको माता की थोड़ी सी बात माननी है,
आपको माता के स्वास्थ्य में लाभ देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर्टी में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट यदि आपने पहले किए हैं या आप कर रहे हैं तो उनमें लाभ देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा इमोशनल आपको नहीं बनना है। परिवार से जुड़े हुए मुद्दों पर आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है, मन से नहीं लेना है, ठीक है। 15 नवंबर को शनिवार की होंगे और ये आपके छठे भाव में होंगे और यहाँ पर धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति को ये सुधार में लेते चले आएंगे। मित्रों से लाभ मिलना, सहायता मिलना और सहायता मांगना आपके लिए शुभ होगा। पुराने इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट को चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपने जो पहले इन्वेस्ट किया है उसमें कितना आपको प्रॉफिट मिला है, और प्रॉफिट मिला है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज को वही रोक देना है। अगर लाभ हुआ है तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको लगातार चालू रखने हैं। अब आ गए हम तीसरे पॉइंट पर, जो राहु महाराज है। राहु महाराज इस वर्ष 2024 में मीन राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में रहेंगे, और जब छठे भाव में राहु मीन राशि पर हैं आपके, तो तुला राशि वाले जातक आपको कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा करना है। छठे घर में राहु व्यक्ति को बहुत ही परिश्रमी, बहुत पराक्रमी बना देते हैं। शत्रुओं से वैसे भी नहीं डरेंगे और शत्रुओं से आपको डर करके अपने किसी काम में बाधा बिल्कुल भी नहीं डालनी। यदि आपके मन में विचार आता है कि कंपटीटर को कहीं पता ना चल जाए मैं इस काम को ना करूं, तो आपके लिए अपनी बहुत अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे, ठीक है। आपको किसी भी के राहु जब छठे घर में है ना, मुद्दे में जो दिमाग में आ रहा है, जो दिमाग ने कह दिया, तुरंत उसको आप फाइनल कर दो, ठीक है। रोग आपका शांत होगा, गुप्त बातें आपको किसी को नहीं बतानी है, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करना सीखना है। इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आप थोड़ा सा ही करते हो डरने लग जाते हो, हाय मेरा पैसा चला गया, हाय मुझे टेंशन हो गई, ये गतिविधियां नहीं करनी है। व्यापार बढ़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा जरूर लेना, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। किसी की भी बातों में नहीं आना। अब आ गए हम चौथे पॉइंट पर, वर्ष 2024 को मुट्ठी में कैसे करें। केतु महाराज की स्थिति रहेगी कन्या राशि में 12वें घर में, जो कि थोड़े अशुभ है 12वें घर के अंदर। क्या करना है, कैसे इनके अशुभत्व में भी आपको शुभत्व की प्राप्ति करनी है, धार्मिक यात्राएं करनी। व्यक्ति को स्पिरिचुअल बना देता है केतु, धार्मिक बना देता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को तंत्रात्मक चीजों की तरफ ले जाता है। ऐसी अवस्था में आपको केतु से जबरदस्त लाभ लेना है तो सबसे पहले तो अपना गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा प्राप्त कीजिए। परंतु प्रश्न आता है कि गुरु दीक्षा कहां से प्राप्त करें, तो आप हमसे भी गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वर्ष में एक दिन का हम आयोजन करते हैं जिसमें जो हमें शिष्य बनने के योग्य लगता है उसको हम गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं, और गुरु परंपरा के तहत हमारी ये जो प्रथा है इसी प्रकार चली आ रही है। तो यदि आप गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते तो उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं आप केतु के 12वें घर के रिजल्ट को पॉजिटिविटी लेने के लिए आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपना रुद्राक्ष कवच धारण कीजिए, जो कि स्पेशल केतु के लिए बनाया जाता है। और यदि रुद्राक्ष कवच आप धारण कर लेते हो तो केतु के साथ साथ आपको 9 ग्रहों की कृपा भगवान शंकर महादेव के साथ में अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये रुद्राक्ष कवच नवग्रह मंत्रों के साथ साथ भगवान शंकर के रुद्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित होता है। वहीं आपको घर पर पताका लगवानी है, दूसरों की सहायता करनी है, फीलिंग्स के चक्कर में नुकसान करने से बचना है, और पुस्तकों को एकत्र करना है। जो भी आपके करियर में पुस्तक की ज्ञान आपके काम आ सकती है ऐसी पुस्तकों को एकत्र करके चलना है, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आपको मन से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। माशरी विद्या आप सभी का कल्याण करें। वर्ष 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है, यही हमारी कामना है। ओम श्री विद्या।